यार अपने बहुत लकी है यार कि यहाँ पे डायमंड्स और गोल्ड आया है यार अपने, मतलब डेफिनेटली अब तो है ना वो आर्केड को मस्त परचेस कर पाएंगे, और वो सिर्फ आर्केड ही परचेस नहीं यार, अपने आई एम वेरी श्योर अपने मस्त अपने लिए हैकिंग का सेटअप भी परचेस कर लेंगे। हाय सो गाइस यार मैं बहुत 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 टाइम से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यार अपने है ना GTA 5 की सिंगल प्लेयर है ना सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन, होपफुली यार इस पे थोड़ा सा वीडियो पे तुम सपोर्ट अच्छा करोगे। फर्स्ट एपिसोड है, प्रॉपर पूरी सीरीज होने वाली है गेम प्ले की। अब यार एक और मैं तुम्हें बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि यार ये नॉर्मल है ना जो फ्रैंकलिन ट्रेवर और माइकल की स्टोरी नहीं है, मैंने कुछ अलग करने का डिसाइड किया है और हम फॉलो करने वाले हैं यार रेंज की स्टोरी। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि रेंज है कौन। रेंज है ना एक शिकागो का बहुत बड़ा हैकर है, ये है ना डेडसेक ग्रुप में था, वहां पे है ना बहुत सारे रिवोल्यूशन और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन प्लान करते थे डेडसेक वाले रेंज की हेल्प से। अब इसमें ऐसा हिसाब हुआ कि यार शिकागो में रेंज को लग रहा था कि उसका काम अब पूरा हो चुका है, वो अपने लिए ना नए चैलेंज ढूंढ रहा था। तो एक है ना रेंज का फ्रेंड है मार्कस, मार्कस ने उस बताया कि लॉस सैंटोस में उसका एक कजिन रहता है फ्रैंकलिन, अपने फ्रैंकलिन से मिलने जरूर वाले हैं। पर यार ये स्टोरी रेंज की है, फ्रैंकलिन की नहीं। अपने को है ना यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है, अपना बेस बनाना है, अपना बिजनेस खड़ा करना है, और भाई ऑब्वियसली बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां चुरानी है और अपना कलेक्शन बढ़ाना है। अब यार ऑब्वियसली अपने को कोई भी काम है तो अपने को यार किससे मिलने जाना पड़ेगा, भाई लेस्टर भाई से मिलने जाना पड़ेगा। तो यार अपनी सबसे पहली जो अपने मैं गाड़ी चुराने वाला हूँ ये है ये ऑसिलॉट F620। तो ये लेके मैं फटाफट चलता हूँ भाई लेस्टर भाई की गारमेंट फैक्ट्री में, वहां जाके उससे बात करूंगा कि यार मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्योंकि भाई लेस्टर बहुत होशियार है, मुझे उसकी एडवाइस चाहिए। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ एक सेकंड में। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि यार अपने को सबसे पहले एक बेस ऑफ ऑपरेशंस ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे लेस्टर के पास उसकी गारमेंट फैक्ट्री है जहां से है ना वो अपने सारे ऑपरेशंस हैंडल करता है, वैसे यार रेंज को भी ना कोई बेस ऑफ ऑपरेशंस अपने को चाहिएगा ही। मैं फटाफट है मेरी गाड़ी यहाँ ब्रिज के नीचे पार्क कर देता हूँ, मुझे यार मेरी गाड़ी ब्रिज के नीचे ही पार्क करनी अच्छी लगती है। और किटी कैसी है? बात भी यार हमसे डर के, कोई बात नहीं, मैं फटाफट चलता हूँ लेस्टर से बात करने के लिए। ये है ना जो लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम परफेक्ट फ्रंट है इसके लिए। फटाफट यार ये ऑफिस में होगा लेस्टर, मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने लेस्टर से बात कर लिया और उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर दी कि यार रेंज तू हैकिंग वैकिंग सब छोड़, मेरे साथ यहाँ फैक्ट्री में सिलाई करने बैठ जा। नहीं आंटी यार चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जॉब नहीं छीनने वाला हूँ, पर यार ऑब्वियसली अपने सिलाई नहीं कर सकते। तो यार लेस्टर ने भी वही एडवाइस दी जो मैं सोच रहा था, अपने को सबसे पहले बेस ऑफ ऑपरेशंस ढूंढना पड़ेगा। अब लकी लेस्टर ने बताया कि यार यहाँ पे दो बिल्डिंग छोड़ के है ना एक अबैंडेड आर्केड सेल हो रहा है, उसके हिसाब से यार वो आर्केड बहुत सही रहेगा अपने क्रिमिनल एंडेवर्स के लिए। मैं फटाफट यार मेरी ऑसिलॉट में बैठता हूँ और चलता हूँ वहाँ पे। ये आर्केड है ना यार लेस्टर की लिटरली है ना दो बिल्डिंग छोड़कर ही है। तो गाइस अपने पहुंच गए हैं वीडियो गार्डन आर्केड। अब यार अपने आर्केड इसके लिए परचेस कर सकते हैं क्योंकि अपने ऑलरेडी गेमिंग में इंटरेस्टेड है, तो पुलिस को एक अच्छा कवर रहता है कि यार ये बंदा गेमिंग में इंटरेस्टेड है इसके लिए उसने आर्केड खरीदा। वैसे नहीं सोचेंगे यार इसको इलीगल एक्टिविटीज करनी थी इसके लिए इसने आर्केड खरीदा। अपने फटाफट चलते हैं आर्केड के अंदर। ये आ गया हूँ यार मैं अपने वीडियो गार्डन आर्केड के अंदर। अब यार ये पूरा आर्केड है ऐसे टूटा फूटा है यार, यहाँ पे पुरानी टूटी हुई रेट्रो कंसोल्स पड़े हैं छत पे यार, पूरी सीलिंग टूटी हुई है, यहाँ पे पुराना फर्नीचर है, वॉल्स पे ग्रेफिटी है। तो यार अपने ये सब को तो रिपेयर करवा सकते हैं, इसका है ना अपने को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो अपने मेन जिसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ इस डोर के पीछे अपने इस डोर से जाएंगे, तो यहाँ पे मेनली तो अपना पहले ऑफिस आएगा जहाँ पे यार अपने आर्केड का बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। पर जो सबसे मजेदार बात है वो यहाँ पे इस डोर के थ्रू अपने जाएंगे तो एक मस्त अंडरग्राउंड बेसमेंट आएगा। अब अपने ये डोर को तो है ना इजिली किसी भी मशीन से या कोई भी तरीके से छुपा सकते हैं, पर अपने यहाँ पे अपने दूसरा जो क्रिमिनल बिजनेस है वो चला सकते हैं। अब यहाँ पे तुम देखो यार बहुत बहुत बड़ा बेसमेंट है, यहाँ पे ना यू शेप में टेबल है, अभी यहाँ पे अपना पूरा कंप्यूटर का अपने सेटअप कर सकते हैं, जैसे अपने हैकिंग और भाई अपने बिजनेस ऑपरेट करने के लिए सब टेक्नोलॉजी लगा सके। यहाँ पे थोड़ा पुराना फर्नीचर है, अपने सबको फेंक के नया लेकर आएंगे, चिंता मत करना। यहाँ छोटे छोटे पार्टीशन करे हुए तो अपने यहाँ पे हाइस्ट के व्हीकल्स स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे है ना प्लानिंग की बहुत अच्छी जगह, यहाँ पे अपने सब जगह व्हाइट बोर्ड लगा सकते हैं। और सबसे इंप्रेसिव बात यार यहाँ पे यार गैराज की साइज देखो एकदम मस्त है, और यहाँ पे ना मस्त एकदम बैटमैन की बैट की जैसी फीलिंग आ रही है, तो मुझे उसके लिए भी सेक्सी लगता है। और यार एक आर्केड की मस्त बात और लगती है कि यार यहाँ से अपने ये डोर के थ्रू जाएंगे तो अपने डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, तो अपने कोई भी गाड़ी अगर लेके आनी हो तो डायरेक्ट आर्केड के अंदर भी बेसमेंट में लेकर आ सकते हैं। ये अपने आगे यार आर्केड के पीछे, तो अपने को कोई भी व्हीकल लेकर आना हो तो यहाँ से डायरेक्टली इसी गैराज से लेके जा सकते हैं। मुझे बिल्डिंग तो यार बहुत अच्छी लगी है, अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट भी होगी। पर यार इसको खरीदने के लिए यार मेरे पास पैसे तो अभी ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अपने नए नए सिटी में आए, तो यार पैसा कमाने के लिए एक ही आदमी के पास जाना पड़ता है, वो है लेस्टर। मैं फटाफट चलता हूँ उसके पास, ऑब्वियसली कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अपने पास फटाफट पैसे कमाने का। मस्त बात यार ये बिल्डिंग की है कि लेस्टर लिटरली बाजू में ही रहता है, तो अपने कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अरे इतना जल्दी पहुंच गया कि मैंने उसकी बिल्डिंग ही मिस कर दी। ये रही भाई लेस्टर भाई की अपनी गारमेंट फैक्ट्री। मुझे यार हमेशा ना ये अंडर ब्रिज ही पार्क करना अच्छा लगता है मेरी गाड़ी को, मुझे नहीं पता। फटाफट यहाँ दौड़ के चलता हूँ लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। और आंटी जी कैसे हो, क्यों डर क्यों रही है भाई आंटी, पता नहीं मुझे। रिगार्डलेस ये रहा भाई लेस्टर हमेशा की तरह अपने लैपटॉप पे चिपका हुआ। तो गाइस मैंने लेस्टर से बात कर लिया और उसने अपने को एक बहुत बहुत मस्त टिप दी। अब यार रेंज एक हैकर है, उनको मैंने पहले ही बताया, तो उसने लेस्टर ने अपने को सजेस्ट किया कि क्यों ना अपने फ्लिका बैंक के वॉल्ट हैक करके वहां से पैसा चुरा ले। अब ऐसा है कि फ्लिका बैंक और लेस्टर के हिसाब से रेंज के लिए हैक करना बहुत इजी होगा, क्योंकि यार वो ऑलरेडी एक बहुत एक्सपर्ट हैकर। लेस्टर की ऐसे बात गलत नहीं है, उसने अपने को बताया है कि यार यहाँ
पे अलग अलग जगह पे मैप पे चीजें मिलेगी। अब यहाँ पे थर्मल ड्रिल मिल रही है, यहाँ पे हैकिंग लैपटॉप मिल रहा है, थर्मल ड्रिल से यार उसका वॉल्ट तोड़ सकते हैं, एक्सप्लोजिव से गेट को उड़ा सकते हैं। अब ना बैंक मैनेजर को ड्राइव भी कर सकते हैं कि अपने सीक्रेटली उसको बोलेंगे कि यार तू थोड़ा सा पैसा ले लेना, पर हमको बैंक चोरी कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो यार अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो है हैकिंग लैपटॉप लेना, क्योंकि यार रेंच एक मास्टर हैकर है तो यार ऑब्वियसली हैकिंग ही उस पर बेस्ट सूट करता है। मैं फटाफट है ना सैंडी शोर्स जाना स्टार्ट करता हूँ। अब यार ये बैंक जॉब के लिए यार इनिशियली जो पैसे चाहिए वो अपने को लेस्टर ने उधार पे दिया। लेस्टर यार बहुत ओपी है, कमेंट में लिखो यार लेस्टर ओपी, थैंक यू फॉर द। तो गाइस मैं है ना ऑलमोस्ट सैंडी शोर्स पहुंच गया हूं, और सैंडी शोर्स के अंदर वो लोकेशन पे भी पहुंचने वाला हूं जहां पे वो हैकिंग लैपटॉप परचेस होने वाला था। अब ये हैकिंग लैपटॉप यार कोई अपने को इंसान से परचेस नहीं करना है, ये एक डेड ड्रॉप होने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं डेड ड्रॉप होता क्या है कि यार अपने को है ना बिटकॉइन उसको ट्रांसफर करने का और वो है ना लैपटॉप कहीं पे छोड़ देगा। यार ये ऐसा इसके लिए करते हैं जिससे ना पुलिस रंगे हाथों किसी को ना पकड़ सके, ये बहुत अच्छा आजकल नया ट्रिक हुई है। लेस्टर ने बताया था ब्लू शेड वाले ट्रेलर की वहां पे तुम्हें लैपटॉप मिल जाएगा अगर तुम उसको $10,000 देने पड़ेंगे यार, पर ये लेस्टर ने अपने को सब सेट कर दिया। अब ये लैपटॉप यार फटाफट मैं लेस्टर के पास ले चलता हूँ। तो गाइस पहुंच गया हूँ मैं वापस से लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री पे। यार मैं अंदर पार्क नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाता है। ये ब्रीफकेस में यार वो हैकिंग लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको फटाफट है ना ऊपर जाके छोड़ देता हूँ, क्योंकि यार ये हैकिंग लैपटॉप अपने इधर उधर लेके घूमेंगे फूट जाएगा, फालतू में 10,000 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। लो लेस्टर भाई ये हैकिंग लैपटॉप तो मैं ले आया। तो गाइस हैकिंग लैपटॉप तो मैंने लेस्टर के पास छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट थिंग जो लेस्टर ने अपने को लाने को बोली है वो है भाई एक आर्मर्ड कुरुमा। अब मैंने लेस्टर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे आर्मर्ड व्हीकल चाहिए। तब आर्मर्ड व्हीकल उसने बोला कि आर्मर्ड कुरुमा से बेटर कोई नहीं है, गाड़ी बहुत फास्ट है, एकदम स्टर्डी है, और ऑब्वियसली यार अपने उसको है ना डीलक्स मोटर स्पोर्ट्स जाके तो परचेज कर नहीं सकती क्योंकि अपने नाम पे गाड़ी होगी तो पुलिस यार अपने को रॉबरी के बाद पकड़ लेगी। लेस्टर ने बताया कि यार यहाँ पे ना एक फिलिपिनो गैंग है, उसके पास है ना नवीन अकुर आर्मर्ड कुरुमा आई है जो ने लिबर्टी सिटी से मंगवाई है। तो अपने लिए बेस्ट एंड इजी टारगेट है कि अपने को वहां जाना है और फटाफट जाके सबको भर के उनकी आर्मर्ड कुरुमा लेकर आनी है। तो गाइस जो लेस्टर ने अपने को है ना कुरुमा का लोकेशन बताया था वो यार यहाँ पे है ना पॉपुलर स्ट्रीट पे ट्रैक्टर पार्ट्स का जंकयार्ड है, वहां पे है ना बोला था कि फिलिपिनो गैंग के पास है। अब यार मुझे थोड़ा सा घूम के देखना पड़ेगा कि ये गाड़ी कहाँ पे रखी है। अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करके फटाफट यहाँ ऊपर चढ़ के देखने का ट्राई करता हूँ। अब यार हमेशा कोई भी फाइट होती ना तुम्हारे पास हाई ग्राउंड हो तो तुम्हें ऑलवेज एडवांटेज रहता है, यहाँ पे चढ़ने का ट्राई करता हूँ। तो यार ये मैं आ गया हूँ मस्त एक हाई ग्राउंड पे। अब यार मुझे लगता है ये जो कंटेनर है ना इसके अंदर ही ना वो कुरुमा होगी, क्योंकि यार लेस्टर ने बोला था कि वो लिबर्टी सिटी से अभी नवा नक्कोर कुरुमा है एकदम फ्रेश, तो यार शायद इन लोगों ने भी कंटेनर को खोला भी नहीं है। तो यार अपने लिए एक नया बर्थडे गिफ्ट आ रहा है यार कि अपने को नई नक्कोर कुरुमा मिल रही है। तो यार फटाफट है ना मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ और इस फ्लोर से ना उनसे फाइट करूंगा। अब मुझे ना बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे बवाल नहीं चाहिए, इसके लिए मैं सिर्फ एक सिंपल पिस्टल यूज करने वाला हूँ, जब तक होगा मैं पिस्टल यूज करूंगा। तो यार यहाँ पे ट्राई स्टार्ट करते हैं, ये पहले गार्ड को मैं हेडशॉट मारता हूँ, यहाँ दूसरा खड़ा उसको हेडशॉट मारता हूँ, तीसरे को भी मारता हूँ। अब यार इन लोगों को है ना पता चल गया कि मैं इधर आया हूँ, बट ऑब्वियसली यार मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं यार, रेंच एक मास्टर हैकर तो है ही पर एक मास्टर गनमैन भी है भाई। मेरे पे है ना ये लोग गोलियां मार रहे हैं, मुझे कवर लेना पड़ेगा यहाँ पे, अपने ऑब्वियसली है ना कवर में रहकर ही मार देंगे। गाइस देखा मैंने बोला था ना कि तुम हाइट एडवांटेज पे अगर तुम्हें फायदा होगा, तो यार ये एक एक करके आ रहे हैं और मैं एक एक करके इनको फिनिश करता जा रहा हूँ एकदम जॉन विक स्टाइल में। गाइस भाई तू क्या करेगा इधर, गोली खा भाई गोली खा। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे गैंग वालों को तो अपने मार ही दिया, कोई बचा होगा तो यार अब अपने लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको यार मैं ना नाइफ करने का ट्राई करता हूँ, बस ये स्विच ब्लेड है, ये बॉट होते हैं यार सारे गैंग वाले, अरे बॉट के बच्चे तो ये नाइफ खा। और भाई ये मैंने इसको फिनिश कर दिया, ये एक और भाई यहाँ पे आया है, मैं इसको फटाफट मेरी पिस्तौल निकालूंगा, रोली पोली करूंगा इसको, एक हेडशॉट पड़ा और इसको ट्रेंड को भी हेडशॉट मार दिया। बाय द वे तो यार तुम्हारी फेवरेट गन कौन सी है, मुझे ना सबसे पिस्तौल बहुत अच्छी लगती है। अगेन यार एक और गार्ड है, इसको मैं फटाफट रोली पोली करूंगा और पैक हेडशॉट। भाई मेरी प्रो शूटिंग स्किल से इंप्रेस हुए तो यार वीडियो को लाइक देना। अगर ये है ना मैं फटाफट लेस्टर को है ना ये कंटेनर की फोटो भेज के देखता हूँ और बोलता हूँ कि इसमें चेक करें कि एक्चुअल में है क्या, ये कंटेनर के नंबर से लेस्टर उसको मैच कर देगा। अब यार मेरा शक बिल्कुल सही था है ना, ये गाड़ी का कंटेनर ही है। मैं फटाफट है ना यहाँ पे एक स्टिकी बॉम्ब लगाता हूँ, मैंने लेस्टर से बात कर लिया कि इसमें स्टिकी बॉम्ब लगाना सेफ है ना, तो लेस्टर ने बोला हाँ तुम स्टिकी बॉम्ब इस पे लगा सकते हो क्योंकि री एनफोर्स डोर्स है। मैं फटाफट यार थोड़ा दूर खड़ा था क्योंकि स्टिकी बॉम्ब का पटाखा बहुत बड़ा होता है, मैं यहाँ पे है ना कवर ले लेता हूँ और भाई एक गेट को फोड़ देता हूँ। तो गाइस यार यहाँ से दिख ही रहा है कि ये गेट खुल गया है, फटाफट मैं देखता हूँ कि अंदर गाड़ी है कि नहीं। तो यार एज ऑलवेज लेस्टर राइट था, अंदर गाड़ी है, मैं फटाफट ये गाड़ी को निकाल लेता हूँ। भाई ये गाड़ी बहुत बहुत मस्त एक्सेलरेशन वाली है और यार इस पे पूरा आर्मर भी लगा हुआ है, इसकी टॉप स्पीड और अपने सबको चेक करेंगे। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात पता मुझे क्या लग रही है कि इसके ऊपर है ना एक बहुत मस्त स्पॉइलर लगा हुआ है, वो स्पॉइलर होता है ना तो उससे क्या अपने को डाउन फोर्स बहुत मिलता है, यार कभी गाड़ी ऊपर जाती है तो फटाफट नीचे आ जाती है। अभी देखो जैसे ये टर्न पे है या कोई भी टर्न पे अपने इसको मस्त ड्रिफ्ट भी मार सकता है। अरे अपने पास आ गया है गेटअवे व्हीकल भी, हमें फटाफट यार अपने ने गेटअवे व्हीकल भी ले लिया, हाइस्ट का अपने पास हैकिंग लैपटॉप भी है, तो मैं फटाफट ऊपर जाके सिर्फ लेस्टर से वो हैकिंग लैपटॉप वापस ले आता हूँ। अब वो हैकिंग लैपटॉप तो अपने वापस लेंगे, पर अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे सिटी में बहुत सारे फ्लिका बैंक्स है, यहाँ पे टोटल 6 फ्लिका बैंक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब है ना यहाँ पे सिटी में अपने 4 बैंक्स है, एक सैंडी पे है और एक यहाँ पे पलीटो जाने के हाईवे पे है। अब अपने है ना इसमें एक इम्पोर्टेंट अपने को डिसीजन लेना है कि कौन सा पलीटो बैंक पे
रॉबरी करने जाए, जो अपने बैंक ऑप्ट करेंगे ना उसके हिसाब से अपने को पेमेंट मिलेगा। सिटी वाले बैंक्स में ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वहाँ के वॉल्ट्स बड़े होते हैं। पर एक दूसरा वहाँ पे प्रॉब्लम आता है यार कि यार ना पुलिस का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा होता है। वर्सेस अगर अपने सैंडी शोर्स में गए तो सैंडी शोर्स में ऐसा होगा कि यार पुलिस का रिस्पॉन्स बहुत हल्का होगा पर वहाँ पे पैसे कम मिलेंगे यार, क्योंकि ऑब्वियसली सैंडी शोर्स में यार पैसे कौन ही जमा रखे। तो यार मेरा इच्छा है कि अपने ये वाले फ्लिका बैंक को लूटे जो अपने ग्रेट ओशन हाईवे पे है। ग्रेट ओशन हाईवे पे होने के कारण क्या है, पुलिस को सिटी से यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे मैं होपफुली अपने हैक कंप्लीट कर लेंगे और यार आई थिंक वहाँ पे इनफ पैसे भी होंगे। तो मैं फटाफट जाता हूँ लेस्टर से यार। तो यार ये मैंने ले लिया अपना हैकिंग लैपटॉप, हम फटाफट चलते हैं अपनी कुरुमा में और अपने चलेंगे ग्रेट ओशन हाईवे। अगर यार ये रॉबरी अपने ने सक्सेसफुली कर ली ना तो अपने पास इनफ पैसे होपफुली आ जाएंगे मार्केट को परचेस करने के लिए। अब है ना वहाँ पे लेस्टर ने अपने को बताया कि दो तीन चीजें पॉसिबल है कि अगर है ना वहाँ पे बैंक में कैश नहीं पड़ा होगा ना तो अपने वो ट्राई करेंगे कि लेस्टर को कॉल करें और पता करें कि वहाँ पे है ना किसी के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को अपने तोड़ के उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चुरा सके। पर होपफुली यार अपने को डायरेक्ट कैश या गोल्ड ही मिल जाए, वो सबसे इजीएस्ट होता है। तो गाइस यार अपने है ना यहाँ पे ग्रेट ओशन हाईवे पे तो मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे ना ये कुरुमा का मस्त स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा। अब एक बार ध्यान रखना है, ये ना सुपर कार नहीं है, मतलब कि ऐसा भाई कि तुम इसको एक्सपेक्ट करो कि यार 200 250 300 की स्पीड पे चलेगी। और यार एक इंपॉर्टेंट बात यार, मुझे ग्रेट ओशन हाईवे का बेस्ट पार्ट लगता है कि ये येलो कॉन्स को उड़ाना। पर अगेन मैं क्या कर रहा था, इसकी ना स्पीड इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये आर्मर्ड है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अभी यार अपने ना ये पहुंच गए हैं फ्लिका बैंक। अब यहाँ पे है ना मैं मस्त इस गाड़ी को इस तरह से पार्क करूंगा कि यार ये अपने गेट पे कवर बन जाए, क्योंकि यार अपने ऑब्वियसली बाहर आएंगे तब तक पुलिस आ जाएगी। अपने इस तरह से पार्क करूंगा तो फटाफट है ना पैसेंजर साइड से बैठ जाऊंगा और भाई अपने कॉप्स को एस्केप कर सकते हैं। अब अपने है ना यहाँ पे मारा मारी करने आए नहीं है यार, इसके लिए अपने है ना ज्यादा पुलिस को किल करने का ट्राई नहीं करेंगे। तो यार ये है रेंज की अपनी फर्स्ट रॉबरी लॉस सैंटोस में। इसको यार कमेमोरेट करने के लिए एक सेल्फी तो लेनी बनती है, तो यार ये ले ली है मैंने एक मस्त सेल्फी। बाय द वे तुम्हें रेंज का मास्क कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये मैंने गैलरी में सेव कर ली है मेरे फोन के, ऑब्वियसली एक प्रूफ है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपने को याद रखना है। तो मैं हमेशा की तरह मेरी मस्त पिस्टल निकाल लेता, एक्चुअली पिस्टल नहीं मेरी कार्बन राइफल निकालता क्योंकि यार लोग डरेंगे। मैं फटाफट अंदर जाता हूँ और ये सारे है ना कैमरा को मैं तोड़ना चालू कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो लोग हैं इनको मेरे को थोड़ा इंटिमिडेट करना पड़ेगा। भाई ये देख रहा है ना बंदूक, ये सर में ले लेनी है, मैं इसको है ना इधर उधर आजू बाजू से शूट करता पंखा पंखे पे कि भाई कुछ करना होता। और भाई ये बैंक टेनर्स तुम लोग पुलिस को बिल्कुल बुलाने की हिम्मत मत करना। मैं यहाँ पे सारे ना एक एक करके कैमरा तोड़ना चालू कर देता हूँ। यार कैमरा भले अपने मास्क पहना हुआ है पर कभी भी कैमरा छोड़ने नहीं चाहिए बैंक के अंदर रॉबरी कर रहे होते हो। यहाँ पे आखिरी कैमरा जो वॉल्ट को गार्ड कर रहा है उसको भी तोड़ दूंगा। तो यार ये जो सिक्योरिटी पैनल है इसको अपने को हैक करना पड़ेगा। ऐसे तो रेंज एक मास्टर हैकर, तो बहुत कोई तकलीफ नहीं आने वाली अपने को इस काम के। अपने को सबसे पहले जाना है माय कंप्यूटर में, माय कंप्यूटर में जाके जाना है एक्सटर्नल डिवाइस में और उसके बाद जाना है हैक कनेक्ट में। अब ये हैक कनेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने को अपने लैपटॉप के आईपी का और इनकी सिक्योरिटी के आईपी को मैच करना पड़ेगा। तो यार मैंने सक्सेसफुली हैक कर लिया है और अपने ना सिस्टम को उस पर कनेक्ट कर लिया है बैंक के वॉल्ट डोर के साथ। अब मुझे सिर्फ brute force.exe में जाके ये पजल सॉल्व करना है जिससे अपने को उसका पासवर्ड मिल जाएगा। अब ये जो रेड कलर का जो नंबर लेटर है वो जब भी ब्लू में आए तब मुझे सिर्फ इसको एक्सेस करना है, तो इससे अपने को एक पासवर्ड मिल जाएगा जो अपने एंटर कर सकते हैं। तो वैसे तीन लेटर बाकी है, दो लेटर बाकी है और ये आखिरा लेटर बाकी है। मैंने इसको रिस्क नहीं लिया वरना पूरा रिसेट है। अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया, पूरा वो चला गया। अब वापस से ध्यान रखता हूं, एक नंबर गया, रिस्क नहीं लेना अपने को, वो घूम के वापस आएगा। ई गया, डी हो गया, ये एक और डी हो गया, ये ई हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, अब लास्ट नंबर है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रही और मैंने 100% सक्सेसफुली कर दिया। तब यार ये अपना वॉल्ट डोर एकदम से खुल जाएगा, यहाँ पे डोर रिलीज आ रहा है, तो मतलब अपने सक्सेसफुली हैक कर लिया। मैंने गाइस तुम्हें बोला ही था मैं भी बहुत मास्टर हैकर हूं और रेंज भी एक बहुत बड़ा मास्टर हैकर है। तो अपने यहाँ पे चलते हैं वॉल्ट के अंदर। तो यार अपने बहुत लकी है यार कि यहाँ पे डायमंड्स और गोल्ड आया है यार अपने, मतलब डेफिनेटली अब तो है ना वो आर्केड को मस्त परचेस कर पाएंगे। और वो सिर्फ आर्केड ही परचेस नहीं यार, अब अपने आई एम वेरी श्योर अपने मस्त अपने लिए हैकिंग का सेटअप भी परचेस कर लेंगे। इतनी सारी गोल्ड बार्स तो मैंने अपने जेब में डाल भी लिए हैं। अब गोल्ड बार्स तो डाल ही लिए, उसके साथ मैंने डायमंड्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डायमंड्स ऑब्वियसली मैं क्यों छोड़ूंगा। मेरी कार्ट पे है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा रेंज को, क्योंकि एक एक करके उठा रहा है वो। कमेंट में पूछ रहा मत कि भाई क्यों एक एक करके उठा रहे हो, एक साथ नहीं उठाया, बस जो है सो है। ये एक दो तीन और चार, ये मेरे लास्ट सारे डायमंड्स भी उठा लिए। और अपने को बहुत सारे डायमंड्स के बॉक्सेस और बहुत सारा गोल्ड बार मिल गया है। तो अब भाई अपनी हाइस्ट ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल जा रही है। मैं मेरी पिस्टल बाहर रखता हूँ क्योंकि पुलिस आ ही गई है। आंटी जी नीचे रहो। तो गाइस ये देखो यार मैंने बोला था सैंडी में अपने 3-स्टार पुलिस आ गई है। आंटी जी आप लोगों ने किसी को मेरा नाम तो नहीं बताया ना, मैं फटाफट जाके मेरी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। यही अपने सिटी में रॉबरी कर रहे होते हैं तो 4-स्टार पुलिस आई होती है, बट अपने सैंडी में किया तो 3-स्टार ही है। पर यार अपने को 3-स्टार पुलिस को फटाफट बच के भागना पड़ेगा। 3-स्टार पुलिस यार अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ये हेलीकॉप्टर से बचना है अपने फटाफट। यार अब अपने इसकी स्पीड टेस्ट होगी यार, ऑलमोस्ट 160-170 की स्पीड पे तो चल रही है, पुलिस के क्रूजर इतनी स्पीड में नहीं चलते। अपने पीछे यार 3-स्टार पुलिस लगी है, उससे बचने का बेस्ट और श्योर वे तुम्हें मैं बताऊं तो यार अपने को यहां पे ये वाले
टनल्स में पहुंचना पड़ेगा। अपनी कुरुमा की यार स्पीड का रियल टेस्ट यहाँ पे होगा। अरे यहाँ पे सामने से भाई तू बॉट से बच के क्यों आ गया? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में आ गया, पर अपने फटाफट वहाँ चलते हैं। हाईवे पे तो पुलिस से बचना यार बहुत मुश्किल होने वाला है, और ये ट्रक वाले भी इन्होंने आजू बाजू खड़े कर दिए हैं। यदि येलो कोन उठाने का ट्राई करता है यार, अपनी पुलिस तो ऑलमोस्ट छूटने भी आई है। अपने यार सब जगह आगे पीछे दाएं बाएं कॉप्सी कॉप्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अब यार 3 स्टार से 4 स्टार हुई, 4 स्टार से 5 स्टार पुलिस हो गई। अच्छा है ना अपने ने ये आर्मर्ड कार ली थी, तो ये सब स्वॉट वाले बंदे अपने को मारने से अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यार यहाँ से भागना पड़ेगा यार मुझे जोरदार दम दबा के, अब एकदम परफेक्ट ड्राइविंग करनी पड़ेगी मुझे। इतनी गोलियां पड़ रही है गाइस पर, तो भी अपनी गाड़ी का आर्मर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो रहा। लेस्टर ने भाई परफेक्ट गाड़ी ठोक के दी अपने को। गाड़ियां टॉप स्पीड 160-180 पे धमाधम जा रही है, बस अपने टनल्स में पहुंचने ही वाले गाइस। एक बार टनल से पहुंच गए ना, फिर पुलिस जनरली टनल्स में कोई को फॉलो ही नहीं करती है, क्योंकि भाई टनल्स में फॉलो करना बहुत रिस्क होता है। यार ये रही वो टनल्स की एंट्रेंस है, मैंने थोड़ा सा गलत मार्कर लगा रखा था, और भाई ये पॉट्स ने यार मुझे फिर से ठोक दिया। पर भाई तो मार ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार ये घुस गया मैं टनल्स के अंदर। अभी टनल्स का नेटवर्क इतना इंट्रिकेट और सीक्रेट है ना कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चलेगा कि अपने कहां से निकलेंगे। तो फटाफट है ना मैं इस रास्ते के थ्रू जाऊंगा। अब अपने ना यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो के रेल टनल्स में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये टनल के है ना बस एकदम एग्जिट पर अपने पहुंच ही गए यार। होपफुली है ना वहां पे गेट के पास कोई पुलिस नहीं है। मैं है ना यहाँ पे छुप जाता हूँ अपने 5 स्टार वांटेड लेवल का उतरने का वेट करने के लिए। बस गाइस अब ये 5 स्टार वांटेड लेवल का उतरने का ट्राई कर रहा है। पुलिस यार कितनी देर एक ही क्रिमिनल के पीछे ढूंढती रही यार, इतने भी ज्यादा पैसे नहीं चुराए अपने ने। 5 स्टार झपक रहे। कम ऑन 5 स्टार्स, गो अवे, और स्लोली झपक रहे, प्लीज। हो गाइस हो गया है अपना वांटेड लेवल एकदम क्लियर। अब यार पुलिस अपने को बिल्कुल नहीं ढूंढ रही होगी। अब यार ये सैडली अपने को है ना ये कुरुमा को बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि यार ये कुरुमा वो क्राइम से लिंक हो चुकी है, अपने इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अपने इसकी एक समारोह रख लेते हैं, और यार मैं फटाफट लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री को भी मार्क कर देता हूँ। अपने लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री के बहुत पास में ही निकले, पर अपने इधर सुवर्स में है ना, तो ये गाड़ी को अपने यहीं पे छोड़ देंगे। तो यार गाड़ी तुमने हमको बहुत अच्छा सर्व किया, अब आ चुका है भाई तुम्हारा फिनिश होने का। तो यार ये अपनी प्यारी कुरुमा को बाय बाय कर देते हैं। अब यार बस अपने को यहाँ पे से एक और भाई अपने पीछे फिर से पुलिस लग गई है, तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे गटरों में अपने छुप जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए। भाई बताया किसने कि यहाँ पे अपने ने कांड किया है, यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ। तो गाइस चली गई है पुलिस यहाँ पे, यार गटरों में बहुत ज्यादा पूछताछ होती नहीं है। फटाफट ऊपर जाता हूँ, अपने फटाफट चलते हैं सिर्फ लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री। तो गाइस मैं आ गया हूँ लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री में। अब मुझे ना सिर्फ इसको है ना ये पैसे का बैग देना पड़ेगा। ये पैसे का बैग मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे वो हेडेक नहीं चाहिए था। मैं बस लेस्टर को बता देता हूँ कि नीचे बैग पार्क करा हुआ है। अब लेस्टर क्या करेगा, अरे लेस्टर यहाँ पे है ही नहीं, कहाँ है भाई लेस्टर, हेलो फोन करना, फोन करता लेस्टर। तो गाइस मैंने है ना लेस्टर से बात कर ली फोन पे, उसने ऐसा बोला कि उसको काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसने बोला कि ये गाड़ी को यहीं पे छोड़ दो। उसने है ना अपने तरफ से बिटकॉइन प्रोवाइड करके वो आर्केड अपने लिए खरीद लिया है, तो अपने वो आर्केड को देखने जा सकते हैं। और लेस्टर ने यार एक और मुझे बात बताई कि उसने अपने लिए गिफ्ट रखा है। अब क्या गिफ्ट रखा है ना मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, पर यार लेस्टर ने रखा है तो कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट होगा। अगर अपने यहाँ पे इतना पास में रहता है ना उसके, कि अपने को कोई गाड़ी चुराने की जरूरत नहीं है वहां तक जाने के लिए, अपने दौड़ के ही पहुंच जाएंगे। तो अपने पहुंच गए यार अपने वीडियो गार्डन आर्केड के सामने। ये फर्स्ट बिल्डिंग है यार जो रेंच ने इस सिटी में खरीदी थी। अगेन इस बात को कमेमोरेट करने के लिए एक सेल्फी तो बनती है। मैंने सेल्फी कैमरा खोला और भाई ये मेरे नए आर्केड के साथ मैंने फोटो स्नैप कर ली, इसको मेरी गैलरी में सेव कर देता और चलता हूं मेरे आर्केड के अंदर। तो गाइस अपने पहुंच गए अपने नए आर्केड में। अब यार इसको नया मैं बोल रहा हूं, वो थोड़ा फ्रीली है, नए टर्म को यूज करो, पर अपने ये सब चीजों को फटाफट रिपेयर कर देंगे। अभी अपने मोस्टली इंटरेस्टेड है लेस्टर के गिफ्ट में और अपना बेसमेंट चेकआउट करने में। उसके बोला था बेसमेंट में गिफ्ट है, तो फटाफट मैं नीचे चलता हूं। मैं यहां फटाफट दौड़ के भागता हूं भाई बेसमेंट, उससे बिल्कुल अब वेट नहीं हो रहा है लेस्टर का गिफ्ट। हो गाइस मुझे लगा ही था यार कि लेस्टर ने अपने लिए यही किया होगा। लेस्टर ने अपने को यार पूरा एक हैकिंग का सेटअप होता है वो अपने को लेस्टर ने परचेज करके दे दिया। इससे अपने ना बहुत अलग अलग तरह के बिजनेसेस, जॉब्स और हाइस्ट प्लान कर पाएंगे। अब यार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से तरह का बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट करूं। मतलब मैं हाइस्ट करना चालू करूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, गन रनिंग करनी है, अपने को ड्रग डीलिंग करनी है, वो सब तुम्हारे ऊपर। अब यार ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक देना, नीचे कमेंट में कुछ फीडबैक लिखना है। फर्स्ट वीडियो है मेरा लॉन्ग फॉर्मेट का, तो तुम्हारा कुछ भी तरह का फीडबैक होगा तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस रेंच की कहानी अभी बस शुरू हुई है।